सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट, है ना, MD1, है ना। तो उसमें डिजाइन ऑफ शाफ्ट चैप्टर हमारा चालू था, है ना। तो शाफ्ट में आज प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग देखेंगे, है ना। तो सब में फर्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लेआउट ऑफ अ ट्रांसमिशन शाफ्ट कैरिंग टू पुलिस बी एंड सी एंड सपोर्टेड ऑन बेयरिंग ए एंड डी एज शोन इन फिगर। फिगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है बी और सी दो पुलिस है और ए और डी ये दो बेयरिंग है जिनपे वो सपोर्ट कर रहा है शाफ्ट, ओके, कॉर्नर्स पे। देन आगे पढ़ लेते, पावर इज सप्लाइड टू द शाफ्ट बाय मींस ऑफ वर्टिकल बेल्ट ऑन द पुली बी। पावर जो सप्लाइड हो रहा है शाफ्ट को, पावर कहां से मिल रहा है, पुली बी से मिल रहा है और वर्टिकल बेल्ट से मिल रहा है ना, तो वहां पे वर्टिकल टेंशन आएगा, बराबर। अब आगे पढ़ लेते क्या बोल रहा है, विच इज देन ट्रांसमिटेड टू द पुली सी कैरिंग अ हॉरिजॉन्टल बेल्ट, है ना। देखो ये जो पावर मिल रहा है, फिर ये पावर क्या हो रहा है, ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है पुली सी को, क्योंकि पुली बी घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो पुली सी घूमेगी, है ना। तो इस तरह से पावर ट्रांसमिट हो रहा है पुली सी को, और पुली सी पे क्या है, पुली सी पे हॉरिजॉन्टल बेल्ट है, ओके, ये बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल बेल्ट है। अब आगे पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट ऑन द पुली बी इज 2.5 kN। लेट कंसिडर दैट द टेंशन ऑन द पुली बी, पुली बी पे देखो बेल्ट दोनों साइड से रहेगा तो दो टेंशन रहेंगे, हम लोगों ने सीखा है कॉम सब्जेक्ट में, टॉम सब्जेक्ट में, है ना। बेल्ट जो डिजाइन ऑफ बेल्ट में हम लोगों ने सीखा, बेल्ट जब होता है पुली पे जो बेल्ट होता है उसके ऊपर दो टेंशन रहते हैं T1 T2। यहाँ पे हम लोग उसको फोर्स कंसिडर करेंगे P1 और P2, ओके। कई बुक में F1 F2 भी दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो दो फोर्सेस रहेंगे, जैसे कि आपको देखो अभी साइड व्यू पुली का आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, तो वहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि दो टेंशन है ना। फर्स्ट जो पुली है हम लोग बी पुली पे पावर आ रहा है ना, तो यहाँ पे पुली बी को हम लोग फर्स्ट पुली कंसिडर करेंगे, जिसके ऊपर जो दो टेंशन है उसको हम लोग P1 P2 कंसिडर करेंगे, आप F1 F2 भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम टेंशन जो रहेगा वो कितना है, 2.5 kN है पुली बी पे, है ना। तो पुली बी पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि दो टेंशन है, उसमें से जो P1 है मैक्सिमम टेंशन है, सपोज P1 इज अ मैक्सिमम टेंशन जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 2.5 kN दी है ना। तो 2.5 kN मतलब 2500 N, है ना। हम लोग को सारे के सारे डायमेंशंस यहाँ पे न्यूटन में रखना है, पावर वाट में रखना है, और जो लेंथ के डायमेंशन है सारे के सारे mm में रखना है, ओके। तो देखो P1 मिल गया हम लोग को, P2 नहीं पता है, तो आगे पढ़ लेते थे, एंगल ऑफ रैप फॉर बोथ द पुलीज इज 180 degrees, है ना, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24, ओके। तो देखो म्यू का वैल्यू दिया है ना, अभी म्यू का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.24, है ना, और क्या दिया है, और दिया है हम लोग को एंगल ऑफ रैप थीटा दिया है, कितना है 180 degrees, है ना। एंगल ऑफ रैप हम लोग को रेडियन में चाहिए, देखो 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन, बराबर, है ना। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई रेडियन, ओके। आगे पढ़ लेते हैं, एंड द शाफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 30C8, है ना, और SIT इज इक्वल टू 400 N/mm² हम लोग को दिया। अबे SYT और SYS ये दो टर्म होते हैं, ये क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताता हूं मैं। SYT मतलब क्या होता है, यील्ड, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ओके, और SYS मतलब क्या है, शेयर यील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को SYT का वैल्यू दिया है, मतलब टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया है 400 N/mm², ओके। अब आगे पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को, क्या बोल रहा है, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, FOS का वैल्यू 3 दिया, डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर ऑन स्ट्रेंथ बेसिस, है ना, किस बेस पे निकालना है, स्ट्रेंथ बेसिस पे डिजाइन करना है, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एक हम लोग को दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, ओके, इसको कोई यूनिट नहीं होता, और हम लोग को डिजाइन करना है शाफ्ट को, मतलब शाफ्ट का डायमीटर निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, समझ में आया। अब सब में फर्स्ट जो स्टेप करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, सब में फर्स्ट हम लोग परमिसिबल शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे, है ना, टाउ की वैल्यू, है ना, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, है ना। टाउ निकालना है हम लोग को सब में पहले, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है SYS / FOS, है ना, SYS / FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। अब SYS इज इक्वल टू क्या होता है, SYS मतलब 50% ऑफ SYT होता है ना, 50% मतलब उसको डिवाइड बाय 100 कर लो, 50/100 क्या होता है, 0.5 लेंगे हम लोग, है ना, परसेंटेज कभी बुरा तो हम उसको पॉइंट में लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 0.5 ऑफ SYT / FOS, है ना।
SYS को SYT के फॉर्म में क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम में यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है जो 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। शेयर स्ट्रेंथ दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं दिया, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है, इसके लिए ये फॉर्मुला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ना। अब यहाँ पे इसके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना, 0.5 इंटू SYT का वैल्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाय 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3 है ना, तो 200 डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 66.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। तो ये मिल गया टाउ का वैल्यू 66.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को निकालना है टॉर्क या फिर टॉर्जनल मोमेंट, टॉर्क सप्लाई टू द शाफ्ट निकालना है ना। तो अभी सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिजाइन ऑफ बेल्ट के फॉर्मुलेस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा है ना। तो टेंशन इन अ बेल्ट है ना, आप लोग को याद आता रहेगा, टॉम में या कॉम में हम लोगों ने सीखा था है ना, क्या रहता है फॉर्मूला T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, बराबर। तो वही यहाँ पे T1 के जगह हम लोग P1 या फिर F1 यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर पुली बी, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेस टू म्यू थीटा है ना, वेयर P1 P2 शुड बी इन न्यूटन और थीटा शुड बी इन रेडियन है ना। तो अब यहाँ पे सारे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। P1 हम लोग को पता है ना, P1 की वैल्यू कितनी है प्रॉब्लम में दिया है 2.5 किलोन्यूटन है ना। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 2500 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू का वैल्यू है 0.24 और थीटा कितना है, थीटा है रेडियन में, पाए है ना 180 डिग्री, दैट इज पाए रेडियन। ओके, अब P2 की वैल्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगी, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 0.24 इंटू पाई। ओके, अब इसको कैलसी में हम लोग पुट कर देंगे तो यहां से हम लोग को P2 का वैल्यू मिल जाएगा है ना। तो P2 का वैल्यू हम लोग को यहां पे मिल गया 1176.47 है ना, 1176.47 न्यूटन है ना। तो यहाँ पे हम लोग को P2 का वैल्यू मिल गया है ना। अब P2 का वैल्यू मिलने के बाद आप लोग को यहाँ से टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी है ना। अब ये टॉर्क या फिर टॉर्जनल मोमेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको, MT या T दोनों में से कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MT से डिनोट करूंगा, टॉर्जनल मोमेंट है ना, आप T से भी डिनोट कर सकते हैं ना। तो आप लोग को याद आता रहेगा यहाँ पे एक फॉर्मूला था हमारा, क्या था, T1 - T2 × R है ना, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। वही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, दैट इज P1 - P2 × R, R मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ द पुली है ना, बी पुली का रेडियस है ना। तो बी पुली का रेडियस कितना है, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग D/2 लिख देंगे है ना, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम में डायमीटर गिवन है। बी का डायमीटर कितना है, पुली बी का डायमीटर हम लोग को यहाँ पे गिवन है, डायमीटर कितना है 500 mm है देखो। तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पुट कर दो, P का वैल्यू, P1 कितना है, P1 है हमारा 2500, ओके, माइनस P2 का वैल्यू कितना है 1176.47 है ना, डायमीटर कितना है, पुली बी का डायमीटर है 500 है ना, तो 500 डिवाइड बाय 2 या फिर डायरेक्टली 250 लिख सकते हो आप लोग है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्जनल मोमेंट या टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा 330882.5 है ना। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा टॉर्क है न्यूटन mm है ना, सारे डायमेंशन हम लोग mm में रखे, तो न्यूटन mm में इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो जिस तरह से हम लोग ने पुली बी के लिए P1 और P2 दोनों टेंशन की वैल्यू निकाली है, सेम वैल्यू हम लोग को पुली सी के लिए भी निकालनी है। पुली सी पे जो टेंशन रहेंगे उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, P3 और P4 कंसिडर कर लेते हैं ना। तो P3 और P4 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालनी है ना। तो उसके लिए हम लोग अगेन यही फॉर्मूलेस का यूज करेंगे है ना। तो सबसे पहले देखो एंगल ऑफ रैप और म्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी है ना, म्यू और पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी है ना, सिर्फ ये वाले वैल्यू P1 P2 की जगह पे क्या आ जाएगा P3 / P4 है ना। तो फॉर पुली सी है ना, देखो फॉर पुली सी के लिए अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, P3 / P4 इज इक्वल टू E^(μ)θ। ओके, E^μ)θ का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, E^μ)θ, म्यू की वैल्यू है 0.24 इंटू थीटा कितना है, थीटा है पाई रेडियन है ना, क्योंकि रेडियन में रखना पड़ता है 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग ये E^μ)θ का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे,
तो अपने को P3 और P4 में एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे P3 डिवाइडेड बाय P4 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 2.125, है ना। तो इरेस्ट मी थीटा का वैल्यू मिल गया 2.125। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू क्या है, 2.125 टाइम्स P4 है ना। ये हम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये हम लोग को एक वैल्यू मिल गई, P3 और P4 के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो गई, है ना। अब सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉर्क का फॉर्मूला, एमटी टॉर्जनल मोमेंट, है ना। टॉर्जनल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क एट द पुली सी क्या हो जाएगा, एमटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P3 माइनस P4 इंटू D/2, है ना। अब यहाँ पे डायमीटर कौन सा रहेगा, यहाँ पे डायमीटर पुली सी का रहेगा, क्योंकि पुली सी का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और एमटी जो टॉर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, वो अलग रहेगा या सेम रहेगा, है ना। सिंपल देखो, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे क्लियरली बोला है उसने कि जो भी टॉर्क आ रहा है वो डायरेक्टली पुली बी पे आ रहा है, वो एज इट इज टॉर्क को किसको ट्रांसमिट कर रहा है, वो डायरेक्टली टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है पुली सी को। आप बोलोगे आप बीच में कोई लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉसेस यहाँ पे हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए जो पुली बी पे टॉर्क रहेगा, टॉर्जनल मोमेंट रहेगा, वही सेम टॉर्जनल मोमेंट या फिर ट्विस्टिंग टॉर्क क्या रहेगा, पुली सी पे रहेगा। तो एमटी की वैल्यू पुली बी और पुली सी के लिए सेम रहेगी, ओके, ये चेंज नहीं होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ओके। तो एमटी का वैल्यू सेम रहेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3308 2.5, है ना। इज इक्वल टू, देखो P3 के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 2.125 P4, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं 2.125 P4 माइनस P4, है ना, D/2। डायमीटर ऑफ द पुली सी कितना है, डायमीटर पुली सी का, पुली सी का डायमीटर है 250 mm, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, डायमीटर है 250 by 2, या फिर डायरेक्टली रेडियस लिख दो 125, वो भी चलेगा, ओके। अब ये P4 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ओके। तो P4 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, है ना, या फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। तो ये इतने P4 में से इतना P4 गया तो कितना बचेगा, 1.125, है ना ये, या फिर सिंपल नहीं समझ में आ रहा है, P4 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे बच जाएगा 2.125, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है ना, इंटू 250 by 2 क्या हो जाएगा, 125, बराबर। अब देखो 2.125 में से 1 गया तो कितना बचा, 1.125, है ना। अब 1.125 को 125 से मल्टीप्लाई करो और इसको इधर डिवाइड करो, तो वहां से हम लोग को P4 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो वो वाला कैलकुलेशन पार्ट हम लोग इधर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, है ना, 66.67 ये वैल्यू याद रखना। अब आगे वाला पार्ट इसका कैलकुलेशन का इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3308822.5 = देखो 2.125 में से 1 गया तो 1.125 × 125 × 125 P4, है ना। तो P4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3308822.5, ओके, डिवाइड बाय ये सारा का सारा टर्म इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1.125 × 125, है ना। अब ये सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो यहां से हम लोग को P4 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, कितना गया, 2352.94 न्यूटन, है ना। ये मिल गया हम लोग को वैल्यू P4 का, टेंशन ही ना पुली सी, दैट इज P4 का वैल्यू मिला। अब P3 का वैल्यू निकालते हैं, P3 का क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो, P3 इज इक्वल टू क्या होता है ना, 2.125 × P4, तो P4 का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, P4 का वैल्यू कितना है, 2352.94, है ना। तो यहां से हम लोग को P3 का वैल्यू मिल जाएगा, मिल गया 5000 न्यूटन, है ना, कितना मिल गया, P3 का वैल्यू मिल गया 5000 न्यूटन, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग को P1 P2 P3 P4 चारों के चारों टेंशन के वैल्यू मिल चुके हैं। अब हमारा जो बेसिक एम है, हमारा बेसिक एम क्या है, बेसिक एम हमारा ये है कि हम लोग को डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निकालना है ना। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस निकालना है ना। तो स्ट्रेंथ बेसिस पे हम लोग के पास टाउ का फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू 16 / π d³ अंडर रूट m b²
प्लस एम टी स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। ओके, अब यहाँ पे ये d की वैल्यू हम लोग को निकालना। देखो tau की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हम लोगों ने परमिसिबल शेयर स्ट्रेस निकाला हुआ है जो अभी मिटाया हम लोगों ने, 66.67 बनाया था। ओके, tau की वैल्यू हम लोग को पता है, पाई की वैल्यू पता है, mt की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है अभी। देखो ये जो mt है ना, यही है ना, ये mt का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब क्या बचा, अब बचा mb। mb मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन दी शाफ्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। मैकेनिक्स में चैप्टर था इक्विलिब्रियम, है ना, और एसएफडी बीएमडी था सेकंड ईयर में आपको सॉम में, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते थे अकॉर्डिंग टू द लोडिंग फोर्सेस ऑन द बीम, है ना। तो अब इसे शाफ्ट को हम लोग को एज ए बीम कंसिडर करना है, उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। लेकिन इस पे दो टाइप के फोर्स आ रहे हैं, एक वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि पुली बी पे जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है पुली बी पे, वो कैसा हो रहा है, वो वर्टिकल हो रहा है, और पुली सी से जो पावर जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के लोड है, तो इसलिए हम लोग को अलग अलग पुली के हिसाब से अलग अलग लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट जो रहेगी वो वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी, है ना। ये कौन सी वाली रहेगी, पहली वाली हमारी वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी, है ना, जो वर्टिकल लोडिंग के लिए रहेगी। वर्टिकल लोडिंग आ रही है पुली बी पे, तो इसको हम लोग पुली बी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये सी का पॉइंट भी यहाँ पे लोकेट करना है सी, और ये है पॉइंट डी। ओके, अब जैसे कि हम लोग इसको बीम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगी कॉर्नर पे, ये आर ए रहेगी, यहाँ की रिएक्शन रहेगी आर डी, बराबर। अब यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स कितना रहेगा, ये फोर्स मतलब नथिंग बट द वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट शाफ्ट ड्यू टू द पुली बी, है ना। तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, सब में फर्स्ट तो ये पुली बी का वेट आएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम में हम लोग को वेट नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग वेट क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ओके, अब दूसरा और क्या आएगा, देखो पुली पे क्या है, बेल्ट है, और बेल्ट किसके किधर खींच रहा है, नीचे के साइड खींच रहा है, क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो रहा है वर्टिकली, तो डाउनवर्ड खींच रहा है ना। तो जितना टेंशन है उस बेल्ट में, T1 T2 दो अमाउंट ऑफ टेंशन, दैट इज P1 P2 फोर्स है, तो P1 P2 फोर्स से वो नीचे खींचेगा उसको, है ना। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर रहेगा, P1 प्लस P2 के बराबर रहेगा, बराबर। तो वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, वेट ऑफ द पुली बी, है ना, प्लस P1 प्लस P2, है ना। अब वेट ऑफ द पुली भी हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है प्रॉब्लम में, तो वेट को निग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा पुली बी के वजह से शाफ्ट के ऊपर, वो किसके बराबर रहेगा, P1 प्लस P2 के बराबर रहेगा, है ना। अब P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 2500 प्रॉब्लम में दिया है, और P2 की वैल्यू कितना, 11, किधर गया P2, P2 का वैल्यू यहाँ पे 1176.47। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टोटल वेट, टोटल लोड ड्यू टू पुली बी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, इसको डब्ल्यू बी से नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना मिल गया, टोटल आ गया 3676.47 न्यूटन। तो इतना अमाउंट ऑफ लोड रहेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3676.47 न्यूटन। ओके, अब देखो थ्री एक, अब सिंपल ये सारा चीज भूल जाओ, है ना, वापस चले जाओ मैकेनिक्स में। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर एक लोड है ना, और इसके डिस्टेंसेस हम लोग को ऊपर दिख रहे हैं, ये 200 mm है, यहाँ से ये कितना है, ये 600 है, यहाँ से वापस 200 है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है आर ए और आर डी, है ना। तो आर ए आर डी कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसको मिटा देता हूं मैं, नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो समय फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, समय फर्स्ट लेते हैं हम लोग मोमेंट, है ना। तो समय पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, क्या होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, समय ए आर ए तो जीरो हो जाएगा, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो इसको ले लेंगे पॉजिटिव हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3676.47 इंटू, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 200, तो इंटू 200, बराबर। उसके बाद ये देखो ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब माइनस, तो माइनस आर डी इंटू, अब ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से डी तक का देखो 600, 200 प्लस 200 कितना है 1000, है ना, इज इक्वल्स टू
जीरो. ओके, अब आर डी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर डी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 3676.47 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000, है ना. तो यहां से हम लोग को आर डी का वैल्यू मिल जाएगा 735.29 न्यूटन, है ना. ये मिल गया आर डी का वैल्यू. अब क्या करना है, अब आर ए निकालना है, आर ए निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना. तो अपवर्ड क्या क्या जा रहा है, आर ए प्लस आर डी, माइनस क्या है, ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, 3676.47 इज इक्वल टू जीरो, है ना. आर डी की वैल्यू हम लोग को पता है ना, तो आर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू सिंपली 3676.47 माइनस आर डी, आर डी की वैल्यू कितनी है, 735.29, है ना. तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा 2941.18, है ना, 2941.18 न्यूटन, है ना. तो यहाँ पे इसके वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ये मिल गया 735.29 और इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 2941.18. ओके, आर ए आर डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गया. अब क्या करना है, अब सिंपल इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है. देखो जैसे कि हम लोग को पता है एसएफडी बीएमडी में हम लोग को पता है सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो जो कॉर्नर पॉइंट्स रहते हैं, जो सपोर्ट रहते हैं, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है, मतलब ए और डी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, सिर्फ बी और सी पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो हम लोग को निकालना है ना. तो उसके लिए हम लोग को नीचे इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे ना. तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग साथ ही साथ ड्रॉ कर लेंगे. तो इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट्स दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी. ओके, ए और डी पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, बचा बी और सी पॉइंट, इस पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग को निकालना है, है ना. तो देखो बी एम कैलकुलेशंस. ओके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बी पॉइंट का मोमेंट निकालना है, बी के लेफ्ट के फोर्सेस देखो या बी के राइट के फोर्स देखो, है ना. बी के लेफ्ट में एक ही फोर्स है, इजी है ना. तो बी के लेफ्ट में एक ही फोर्स है, आर ए कैसे घूम रहा है छोड़ दो, कैसे भी घूमे दो चलेगा. ओके, ये घूम रहा है अपवर्ड है, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 200, है ना. तो आर ए इंटू 200, है ना. तो मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आ गया हमारा, आर ए इंटू 200, आर ए का वैल्यू कितना है 2941.18 इंटू 200, है ना. तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 588232, है ना, न्यूटन एमएम. देखो सारे के सारे जो वैल्यूज है न्यूटन एमएम में है. ओके, बेंडिंग मोमेंट बी का मोमेंट मिल गया. अब सेम हम लोग को सी पॉइंट का भी मोमेंट निकालना. देखो सी पॉइंट का मोमेंट निकालेंगे, सी के लेफ्ट में देखो एक दो फोर्सेस है, सी के राइट में एक ही फोर्स है, तो राइट लेंगे तो इजी हो जाएगा ना. तो सी के राइट के फोर्सेस देखेंगे हम लोग, है ना. तो देखो मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू राइट में देखो ये क्या आर डी है, इसका डिस्टेंस कितना है, अगेन इसका डिस्टेंस 200 है, तो आर डी इंटू 200, है ना. तो आर डी का वैल्यू कितना है 735.29 इंटू 200, है ना. तो यहां से हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा 147058, है ना, न्यूटन एमएम अगेन, है ना. तो ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल चुके हैं. तो अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग इसका ड्रॉ कर लेंगे. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाला 588 वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, है ना. तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे आ गया हमारा मोमेंट एट पॉइंट बी, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे बता देंगे, यहाँ पे आ गया सी, है ना. अब देखो यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लाइंस जॉइंट हो जाएंगे. ये यहाँ पे जॉइंट हो गया, ये यहाँ पे जॉइंट हो गया, बराबर. और इसको भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि बी डी और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है. यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली, हम लोग को बाद में आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन के लिए, 588232. और यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे है 147058. ओके, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी पुली बी और वर्टिकल लोडिंग डायग्राम के लिए हो गया, है ना. अब सेम हम लोग को क्या करना है, फॉर पुली सी के लिए भी पूरा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही निकालना है, और फॉर हॉरिजेंटल लोडिंग डायग्राम, है ना, हॉरिजेंटल लोडिंग के लिए हम लोग को सेम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही बनाना है.
ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, सब में पहले इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। इसके ही नीचे हम लोग वापस एक ऐसा बीम बना लेते हैं विच रिप्रेजेंट द शाफ्ट, है ना, फॉर हॉरिजेंटल लोडिंग डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, ये पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, सपोज हियर पॉइंट सी एंड हियर समवेयर पॉइंट डी। ये डी है, सी है, ये है पॉइंट बी और यहाँ पे है पॉइंट ए, है ना। तो यहाँ पे अगेन सपोर्ट रिएक्शन रहेंगे, ये आर ए है और ये रहेगा हमारा आर डी। ओके, इट इज हॉरिजेंटल लोडिंग डायग्राम। ओके, ये हॉरिजेंटल लोडिंग डायग्राम है, हॉरिजेंटल लोड के लिए है। पुली सी के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, ये पुली बी के लिए था, बराबर क्लियर रहना चाहिए। तो पुली सी पे देखो, पुली सी के वजह से इस शाफ्ट पे कितना लोड आ रहा है, विच इज इक्वल टू अगेन सेम, है ना। सब में फर्स्ट क्या होगा, इसका वेट रहेगा, वेट यहाँ पे दिया नहीं तो वेट को निगलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद इसके टेंशन पी थ्री और पी फोर, है ना, जो हॉरिजेंटली लग रहे हैं, लेकिन हॉरिजेंटली लग रहे हैं तो हॉरिजेंटली वो लोड लगाएंगे किसके ऊपर, अपने शाफ्ट के ऊपर। तो लोड ड्यू टू पुली सी ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू हाउ मच, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी थ्री प्लस पी फोर, है ना, क्योंकि वेट यहाँ पे नहीं दिया, वेट हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली P3 और P4 को ऐड कर दो। तो P3 का वैल्यू कितना है, P3 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला है 5000 और P4 का वैल्यू 2.94, है ना। तो P3 इज 5000 प्लस P4 इज 2.94। ओके, तो सिंपली इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 7352.94 न्यूटन। ओके, तो टोटल लोड ड्यू टू पुली सी ऑन द शाफ्ट हॉरिजेंटली इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट सी, है ना, और उसका वैल्यू कितना रहेगा, ये वैल्यू रहेगा 7352.94 न्यूटन। ओके, समझ में आइए, वही सेम प्रोसीजर हम लोग को करना है जो हम लोग ने पुली बी के लिए किया था। आर ए और आर डी रिएक्शन निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए वापस मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए से मोमेंट लेना है, बी पे कुछ नहीं, सी पे है, देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मोमेंट तो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा 7352.94 इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से देखो ये 200 प्लस 600 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800, है ना, तो यहां तक कितना है 800, तो यहां पे लिख दो 800, है ना। अब उसके बाद आर डी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा, माइनस आर डी इनटू ये देखो ए से डी का डिस्टेंस कितना है 1000, तो यहां पे लिख दो 1000। ओके, तो यहां से हम लोग को क्या हो जाएगा, यहां इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। ओके, तो यहां से हम लोग को आर डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो आर डी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर डी इज इक्वल टू देखो 7352.94 इंटू 800 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को आर डी का वैल्यू मिल जाएगा 5882.35, है ना, 5882.35 न्यूटन, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि हम लोग को आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ओके, अब सेम वे हम लोग को आर ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो आर ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वाला मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। तो देखो आर ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। ओके, तो यहां पे देखो अपवर्ड क्या है, आर ए और आर डी अपवर्ड है ना, तो यहां पे मैं लिख दूंगा आर ए प्लस आर डी, आर डी का वैल्यू लिख देता हूं 5882.35, है ना। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ये वाला डाउनवर्ड फोर्स है तो इसको लिखेंगे माइनस माइनस 7352.94 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल 7352.94 माइनस 5882.35। ओके ओके, तो अब इसको
सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को आर ए का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1470.59 न्यूटन, है ना। देखो 1470.59 न्यूटन है ना, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू मैं लिख देता हूं 1470.59। ओके तो देखो अब यहाँ पे ये फोर्सेस हम लोग को मिल गए, रिएक्शंस मिल गए। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को वापस इसी तरह से इसकी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए नीचे का वैल्यू मैं रफ कर देता हूँ, कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ जिसके ऊपर रहेंगे हमारे फोर्सेस, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, ये आ गया हमारा पॉइंट ए, दिस विल बी आवर पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और ये है हमारा पॉइंट डी। ओके अब क्या करना है, हम लोग को पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ए और डी पॉइंट पे तो कोई मोमेंट होता ही नहीं, जीरो मोमेंट रहता है, तो मोमेंट रहेगा पॉइंट बी और सी पे ही मोमेंट रहेगा, है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग पॉइंट निकालेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, बी का मोमेंट के लिए देखो यहाँ पे बी के लेफ्ट में क्या है, एक फोर्स है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। इसका डिस्टेंस कितना है, 200 है ना। तो देखो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए, आर ए का वैल्यू कितना है 1470.59 इनटू उसका डिस्टेंस है 200 mm, है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 294118, है ना, न्यूटन mm, है ना। अब सेम हम लोग को क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना, क्योंकि ए और डी पे तो मोमेंट जीरो रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सी के देखो, सी के राइट में आर डी है, आर डी इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, इसका भी डिस्टेंस है 200, है ना। तो सिंपल मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, आर डी इनटू 200। आर डी का वैल्यू देख लो कितना है, 5882.35 200, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा 1176470, है ना, न्यूटन mm। तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट बी और सी दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब सेम वैल्यू से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो मोमेंट एट पॉइंट सी हम लोग को यहाँ पे 7 digit का मिला है, है ना। तो ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो यहाँ पे उस तरह से हम लोग डायग्राम बताते हैं। सी पॉइंट पे थोड़ा सा वैल्यू हाइयर बताते हैं, बी पॉइंट पे लोअर वैल्यू बताते हैं। इसको हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, कोई यूडीएल नहीं है तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा, है ना। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा सॉम का वीडियो एसएफडी बीएमडी का जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने हाउ टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी बहुत अच्छे से समझाया। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसके, यहाँ पे इसके वैल्यू भी हम लोग लिखते थे। मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग को मिल गया 294118। ओके और मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, 1176470। ओके तो ये सारे वैल्यू आ गए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है हम लोग को नेट बीएम या फिर रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। अब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, देखो ये हम लोगों ने वर्टिकल लोडिंग डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला, ये हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला, अब हम लोग को रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, है ना। इसके लिए भी सेम हम लोग को पॉइंट बी और सी पे बेंडिंग मोमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो अब ये मोमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मोमेंट को, देखो इस मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल है। आप लोग को मैकेनिक्स का वो फॉर्मूला याद रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट सिंपल सा फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है सिंपल सा। देखो अब देखो मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है मेरे को, देखो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है तो मुझे पहले वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, 588232 है। तो यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूले में मुझे पुट कर देना है 588232 का होल स्क्वायर प्लस अब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट बी इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम कितना है, 294118 है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 294118 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू 657
664.26 न्यूटन एमएम है ना, ये मिल गया रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू। अब सेम हम लोग को रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू भी निकालना है ना, उसके लिए हम लोग को सेम इसी को फॉलो करना है, एम सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। देखो वर्टिकल लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, 147058 है ना, तो यहाँ पे मैं उसका वैल्यू लिख दूंगा 147058 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू कितना है, 1176470 इसका होल स्क्वायर। ओके अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग पूरा वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा 185625.45 है ना न्यूटन एमएम, ये मिल गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू है ना, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू मिल गया। ओके रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल चुके हैं। अब वापस आते हैं इस फॉर्मूले पे जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा मेन एम है हमको डी निकालना है, टाउ पता है, एम टी मिल गया था, एम बी निकालना है। अब हम लोगों ने ये दोनों वैल्यू निकाली, अभी दो वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी यहाँ पे निकाल लेना है। ओके रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकाल लेते हैं हम लोग है ना। अब ये विजिबल हो है आपको या नहीं है मुझे पता नहीं, देखो दिख जाएगा आपको फिर भी, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी है। ओके तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को बताना है, बी और सी में मैक्सिमम क्या है, सी का वैल्यू मैक्सिमम है, तो सी थोड़ा ऊपर रहेगा पॉइंट और बी थोड़ा नीचे रहेगा, इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है हम लोग को है ना, तो सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ वैल्यू लिख देना जरूरी रहता है डायग्राम में, 85625.45 है ना, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू भी यहां पे आप लिख दीजिए 65766.46। ओके तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके अब क्या करना है, देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था एम टी का वैल्यू पता है, टाउ का वैल्यू पता है, डी निकालना है, एम बी। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कौन सा लेंगे, जो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट के दो वैल्यू हम लोग को यहां पे मिले हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पे भी हमारा शाफ्ट फेल नहीं होगा है ना। तो दोनों में से मैक्सिमम कहां पे आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट सी पे आ रहा है, ये 7 डिजिट का, ये 6 डिजिट का है ना, तो सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना, तो एम बी का वैल्यू हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सी पे सेलेक्ट करेंगे, सी वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ओके तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी है ना। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में हम लोग को वैल्यू पुट करना, यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू सी का वैल्यू ज्यादा है तो एमबी के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा तो ये वाला पुट करेंगे। ओके दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट में, जो जितने भी पॉइंट रहेंगे उसमें सब मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा उस वैल्यू को हम लोग को एमबी पे रखना है। ओके तो टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू मिल गई थी हम लोग को 66.67 है ना, तो टाउ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं, 66.67 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। ओके अंडर रूट, अब देखो एम बी के जगह पे लिखेंगे 1185625 है ना, 1185625.45 ओके इसका होल स्क्वायर प्लस एम टी। अब एम टी का वैल्यू कितना था हमारा, 330882.5 है ना इसका होल स्क्वायर। ओके अब इसके लिए हम लोग को डी क्यूब का वैल्यू, डी का वैल्यू निकालना है, तो डी को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ है ना, तो डी क्यूब को इधर लेके आओ, तो सबसे पहले हम लोग को डी क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा 16 डिवाइड बाय, ये इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, पाई इंटू 66.67 है ना इंटू ये वाला सारा कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा 118562.45 का होल स्क्वायर प्लस 330882.5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे ये सारा कैलकुलेशन को, तो आप लोग को डी क्यूब का वैल्यू मिलेगा, फिर उसका क्यूब रूट ले लेना, जो भी वैल्यू मिला उसका क्यूब रूट निकाल लेना, तो फाइनल हम लोग को यहाँ पे डी दैट इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट का वैल्यू मिल जाएगा 45.47 mm है ना। तो ये हो गया हमारा
प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म, डायमीटर ऑफ शाफ्ट हम लोग को मिल गया 45.47 mm, है ना। समझ में आया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।